तो मेरा नाम करण है और मैंने अपना पेन नेम जो रखा है वो लेखक रंग रखा है, और काफ़ी लोग हैं जो जानना चाहते हैं और आप में से भी होंगे कि लेखक रंग ही क्यों। तो मेरा उनको जवाब ये है कि जो लेखक होते हैं वो काफ़ी रंगों का लिखते हैं, मतलब काफ़ी तरह का लिखते हैं, तो उसमें से अगर एक छोटा सा रंग भी मैं अपने आप को साबित कर पाऊँ तो मेरे लिए एक खुशनसीबी की बात है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक छोटे से थॉट से, और थॉट इस तरह का है कि बेशुमार मोहब्बत होगी उस बारिश की बूंद को भी इस ज़मीन से, बेशुमार मोहब्बत होगी उस बारिश की बूंद को भी इस ज़मीन से, यूं ही नहीं कोई मोहब्बत में इतना गिर जाता है। तो जब शुरुआत में मोहब्बत होती है ना तो हर एक मोमेंट बहुत लगता है कि हाँ जिंदगी चल रही है अब कुछ, तो उस पर लिखा था, हम तारीफ भी बहुत करने लग जाते हैं, तो लिखा था कि अब आधे ही फूल बचे हैं बगीचों में, आधा बगीचा मेरी राहों में है, अब आधे ही फूल बचे हैं बगीचों में, आधा बगीचा मेरी राहों में है, और आसमां को भी कबूल है आधा चांद उसका, क्योंकि आधा मेरी बाहों में। लिखा है कि मेरे चेहरे पर अगर झूठी मुस्कान भी आए तो उसके अंदर का दर्द सिर्फ तुम पहचानती हो, मेरे चेहरे पर अगर झूठी मुस्कान भी आए तो उसके अंदर का दर्द सिर्फ तुम पहचानती हो, यूं तो जमाना जानता है मैं शायरियां लिखता हूं, पर शायरियां मुझे लिखती हैं ये सिर्फ तुम जानती हो। अच्छा, जब धोखा मिलता है तो क्या होता है कि लड़ाइयाँ शुरू होती हैं सबसे पहले, और झूठी झूठी हमदर्दियाँ जताते हैं लोग। तो लिखा है कि हाले दिल जो भी हो उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए शराफत के साथ, हाले दिल जो भी हो उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए शराफत के साथ, दिल तो हमारा कब से आप ही के सीने में धड़क रहा है, रखना है तो रखिए वरना तोड़ दीजिए पर हिफाजत के साथ। तो लिखा है कि बताना कहाँ से सीखा है धोखा देना, बताना कहाँ से सीखा है धोखा देना, मुझे भी सिखा और फिर मौका देना, ताकि तू भी खोए जो मैंने खोया है, ताकि तू भी रोए जैसे मैंने रोया है। तो इंसान बहुत खुदगर्ज होते हैं ये सभी जानते हैं, एक सच है कबूल कोई नहीं करता। तो इस पे भी कुछ लिखा था कि मन्नतें तो मांगकर देख ली खुद के लिए, चलिए अब बद्दुआ मांग लेते हैं, मन्नतें तो मांगकर देख ली खुद के लिए, चलिए अब बद्दुआ मांग लेते हैं, टूटते हुए तारे के दर्द से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, खुदगर्जों की तरह आंखें बंद करते हैं और दुआ मांग लेते हैं। तो मैं अब अपनी पोइट्री शुरू करना चाहूँगा, ये रात एक नशा है। अच्छा, मेरी तरह कोई मानता है कि रात सच में एक नशा है? मतलब अभी कभी अपने क्रश से या फिर किसी से रात में बात की है आपने मैसेज पर? जी भाई। हाँ, तो फिर आप शायद रिलेट कर पाएं, रात सच में एक नशा है। भैया का कली हुआ है। हाँ, तो रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, सब सो गए हैं, आप जग रहे हैं, सिर्फ आधी रात है। ये रात एक नशा है, जरा इस नशे को चख कर तो देखो, संभालते संभालते भी बात जुबान से फिसल ही जाएगी, जरा इसकी खामोशियों को जुबान पर रख कर तो देखो। बीते वो लम्हे लेकर हाथों में हाथ किसी का, लेकर साथ चले थे जब हम साथ किसी का, हंसते मुस्कुराते जब ये शामें बीत जाती थी, एक पल के लिए भी दूर होते तो आंखें भर आती थी, वो उसकी गलियों में यूं आवारा सा रहना, वो उसकी गलियों में यूं आवारा सा रहना, एक एक पल अगर याद ना आ जाए ना तो कहना, उन पलों को याद करके थोड़ा सा मुस्कुरा कर तो देखो, ये रात एक नशा है, जरा इस नशे को चख कर तो देखो। कभी किसी की दस्तक डरा देगी आपको, कभी किसी की दस्तक डरा देगी आपको, तो हल्की सी आहट में भी संगीत सुनाई देगा, जो दीवारें बरसों से खामोश लगती थी आज उनका भी गीत सुनाई देगा, जरा उनकी खामोशियों को सुन कर तो देखो, ये रात एक नशा है, जरा इस नशे को चख कर तो देखो। कभी यूं सीधे लेटकर कमरे की उस छत को देखकर, कभी यूं सीधे लेटकर कमरे की उस छत को देखकर बातों की गहराइयों में जाना, कभी यूं सीधे लेटकर कमरे की उस छत को देखकर बातों की गहराइयों में जाना, तो कभी छत पर लेटकर
तो कभी छत पर लेटकर तारों भरे आसमान को देखकर चांद में उसका चेहरा पाना। तो कभी चांद को अपना यार बनाया है आपने? चांद से कभी यारी निभाई है आपने? क्या खुद से ही बातों में सारी रात बिताई है आपने? तारों को अपना यार बना कर तो देखो, ये रात एक नशा है, जरा इस नशे को चख कर तो देखो। जिस इजहार को बरसों से रोका हुआ है आपने, वो रात के नशे में जुबान से निकल ही जाएगा। जिस इजहार को बरसों से रोका हुआ है आपने, वो रात के नशे में जुबान से निकल ही जाएगा। खुद से आंखें नहीं मिला पाएंगे आप जब आने वाला कल आएगा। घड़ी की टिक टिक भी कानों में सितार बनकर उतरेगी, घड़ी की टिक टिक भी कानों में सितार बनकर उतरेगी। एक खामोशी की प्यारी सी चुहिया आपकी सारी नींदें कुतरेगी। कुछ लोग कहेंगे कि आपको ये आदत गलत लग गई, कुछ लोग कहेंगे कि आपको ये आदत गलत लग गई। मेरा मुस्कुरा कर बस एक ही जवाब रहेगा, मुझे इस नशे की लत लग गई। शुक्रिया।